सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 5 सर्वनाम। देखिए, एक अक्षर कार्य लिखिए, तारीख और दिन। आर्यन चित्र बना रहा है, आर्यन चित्र बना रहा है, उसकी इसमें रुचि है। वह अपने साथ रंग, ब्रश, पेपर आदि लाया है। शिक्षिका उसे चित्र बनाना सिखा रही है। यहाँ पे आर्यन है और आर्यन के लिए शब्द यूज किए गए हैं, उसकी, वह, उसे। यहाँ उसकी, वह, उसे शब्द आर्यन के लिए आए हैं। उसकी, वह, उसे शब्द किसके लिए आए हैं? आर्यन के लिए। ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में होते हैं। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। एक वचन में तू, बहुवचन तुम, आप, तुझे, तुमको, आपको, तुमसे, तुमसे, आपसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। एक वचन, वह, उसका बहुवचन वे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, उसकी, उनकी, किसने, किन्होंने, किसको, किनको, किसे, किने, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके तीन प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, जो बोलने वाले हो, मैं, हम। मध्यम पुरुष, जो सुन रहे हैं, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, जिनके बारे में बात की जाए, वह, वे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हमारी हिंदी की पुस्तक है, वह गोपाल के मित्र है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे कोई कुछ पका रहा है, किसी का बस्ता बस में रह गया है, कोई प्राणियों के लिए, कुछ निर्जीव वस्तु के लिए। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पूछने या जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, आपके हाथ में क्या है। कौन प्राणियों के लिए भी आता है, क्या निर्जीव वस्तु के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक पाएगा, जिनको जाना है वे जा सकते हैं। छह निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चा अपने आप खा लेगा, हम अपना काम स्वयं करेंगे। हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। सर्वनाम शब्द एकवचन और बहुवचन में होते हैं। आप सर्वनाम का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अभ्यास, अब लिखने की बारी। रंगीन सर्वनाम शब्द के सही भेद के सामने चिन्ह लगाइए। मैंने खाना खाया, पुरुषवाचक। वह अपने आप चला गया, पुरुषवाचक। वह अपने आप चला गया, निजवाचक। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, संबंधवाचक। तुम्हारे हाथ में क्या है, प्रश्नवाचक। यह सरला का घर है, निश्चयवाचक।
उच्च सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। रेखा ने जो चाहा वह पाया। ख, तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। देखो वहाँ कौन खड़ा है। घर में वह नहीं है। मुझे फल लेने बाजार जाना है। वाक्य पढ़कर सही गलत का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है सही। संज्ञा का प्रयोग सर्वनाम की जगह नहीं होता गलत। सर्वनाम के तीन भेद है गलत। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के हैं सही। प्रश्न पूछने के लिए शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं गलत। सर्वनाम शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यह मेरा मित्र है। ये मेरे मित्र है। वह मीठा आम है। वे मीठे आम है। मैं कल बाग में जाऊंगा। हम कल बाग में जाएंगे। मेरा कपड़ा सूख गया है। हमारे कपड़े सूख गए हैं। सही सर्वनाम से अनुच्छेद पूरा कीजिए। तुमसे तुम, तुम्हारे तुम, तुम्हें। हे वृक्ष, तुम महान हो। तुमसे हमें फल, पत्ते, छाया, औषधि और ऑक्सीजन मिलती है। तुम्हारे शरीर पर पक्षी घर बनाते हैं। तुम्हें देखकर सब खुश होते हैं। तुम ही हमारा जीवन हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।